कि इसराइल मुल्क की बना हुआ कोई भी सामान, चाहे थम्सअप, चाहे कोको कोला, चाहे स्प्राइट, जितना भी इसराइल की कंपनी का बना हुआ सामान है, गर्म पानी पी करके समझौता कर लेना, लेकिन कोको कोला, थम्सअप और इसराइल की बनी हुई कंपनी का ठंडा सामान पी करके बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों पर जुल्म मत करना। बच्चों की शहादत रोज हो रही है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का दामन हाथ से नहीं छूट रहा है। अल्लाह अल्लाह, बलिया भी कहता हो अरब के शाहो, ओ काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, ओ यूनाइटेड अरब में बैठकर अमरीका और इसराइल की दलाली करने वालों, ओ खाने काबा की कुंजी रखकर यहूदियत से रिश्ते बनाकर रखने वालों, तुमने ईद का चांद दूरबीन से देखने की कोशिश की, अगर मावों के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया है, अगर तेरे बदन में पानी नहीं इस्लामी गैरत का खून होता, तो 29 रमजान को दूरबीन लगाकर आसमान पर चांद नहीं देखता, 29 रमजान को दूरबीन लगाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लिया होता। اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على توجہ چوں مکے میں پیدا ہو کر کے رہ لینا یہ کمال نہیں ہے, मदीने तैयबा में घर बनाकर जी लेना ये कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि घर मक्के में रहे ना रहे, दिल बिलाल वाला हो जाए, घर मदीने में रहे ना रहे, दिल बिलाल वाला हो जाए। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी। सच ये है कि जब मेरे भारत के ईमान वालों पर सत्ता और हुकूमतों की आंखें लाल होती है, तो कायदे से होश का सुरमा लगाना बलियावी को खूब आता है। और मेरी कौम और जमाते अहले सुन्नत में दुकानदारी कोई खोल ले तो अपनी कौम के बच्चों को अंधभक्ति से हटाकर नबी के इश्क की तरफ चढ़ाना खूब आता है। इसलिए आज कुछ कड़वी तकरीर होगी। बलियावी ने अब तक भारत में जो कुछ भी कहा है अपनी जिम्मेदारी और क्रेडिट पर कहा है, जो बोल दिया वापस नहीं लिया। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितना लोग सुनोगे? उठाए रखो तब ना समझ में आएगा। स्टेज वाले भी सुनेंगे तो आप तो मदरसे में पढ़े हैं, तो हम कोई फारसी में भी बोलते तो समझ लेते, उर्दू ही में बोले थे। तो जो लोग सुनना चाहते हो जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों दोनों दोनों, माशाल्लाह। उठाए कर रखो, इतनी जल्दी गिरा दिया, अभी नारा लगा रहे थे नारे हैदरी और फट से हाथ गिरा दिया। उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, अब सारा मजमा यहीं से आवाज दे मदीने की सरकार को, दिल में मन में ये सोच के नहीं यकीन करके कि कोई देखे ना देखे मदीने का मुस्तफा हमें देख रहा। इसलिए लगाओ नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
आवाज बुलंद करो बलियावी को सुनना है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो अब आओ जरा अपने अंदाज में गांव वाली और बंगाल वाली बंगाल के लहजे में आका पर दुरूद पाक पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ले आला सैयदना मौलाना मोहम्मद। आप लोग बुलंद आवाज से पढ़ो सैयदीना मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले आला सैयदीना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताओ कि पूरे बंगाल में नहीं पूरी दुनिया में कोई मौलवी कोई मुफ्ती ये बता सकता है कि इस तरह से दुरूद शरीफ कब से कितने दिनों से पढ़ा जा रहा है? कोई बता सकेगा? अरे बोलो ना भाई आपकी उम्र 42 100 साल वाले से भी पूछिएगा तो कहेगा जब से आंख खोला है तब से पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी उम्र लंबी हो गई अगर उम्र 150 साल है उससे भी पूछिएगा कब से पढ़ रहे हो तो कहेगा कि जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूं तब से पढ़ रहा हूं। तवज्जो चाहो स्टेज के लोगों से गुजारिश है कि आज थोड़ी तकरीर सुन लीजिए आंख बंद करके नहीं आंख खोल करके। हाँ बलियावी को कभी कभी बुला लेना बड़ा आसान होता है तकरीर कराना आसान नहीं होता। और कभी ऐसा भी होता है कि मजमा बहुत बड़ा होता है तकरीर बलियावी नहीं करता है। कभी ऐसा भी होता है कि मजमा बहुत छोटा है तकरीर बहुत ढांसू कर देता है। तो मर्जी आपकी चाहो तो करा लो। तो आप लोग बोलेंगे तो तकरीर कर देंगे। अब ऐसे मत बोलो जैसे इलेक्शन में पार्टियों के उम्मीदवार बोल रहे हैं। बोलना है अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली मुश्किल कुसा या अली मुश्किल कुसा या अली मुश्किल कुसा जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। एक बात बता दो पूरे मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर की आबादियों में रहने वाले इंसानों आज तक किसी ने अपनी तस्वीर अपना चेहरा लोहे की सीट में देखा? अरे बोलो ना स्टील में। थोड़ा यानी क्लियर नहीं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सुन लीजिए आज तक ओके वाली नहीं एरर वाली कंफर्म वाली नहीं कंफ्यूजन वाली। लकड़ी पर किसी ने तस्वीर देखी? कपड़े पर मिट्टी पर
आखिर आपने अपनी तस्वीर देखी कहां? बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा, एक ही जुमले में कई घंटे की तकरीर है। तवज्जो चाहो, अगर अगर समझदार लोग बैठे हैं तो सुन लीजिए। कहां देखी? जोर से बोलो, जोर से। आईने में, शीशे में। और आईना वो है जो कभी गलत नहीं बोलता। आंख जहां है वहीं दिखाएगा, नाक जहां है वहीं दिखाएगा, पेशानी जहां है वहीं दिखाएगा। अगर भेजा बेचे नहीं हो, बुद्धि का सौदा नहीं किए हो, अंध भक्ति का भूत नहीं सवार है, अमा तुम अपनी तस्वीर देखने के लिए आईना देखते हो, सूरत इस्लाम देखने के लिए आईने हिंद देख लो। नरे तकबीर, नरे तकबीर, नरे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम, हुजूर आईने हिंद, उर्से हुजूर आईने हिंद, नारे रिसालत। इस पर तो नारा बीच मजमे से लगना चाहिए दबा करके। आए हाय हाय, कहां थे मुसलमान? आए हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा। ये वो आईने हिंद है, ये वो आईने हिंद है। दिल लगाज वलियावी की गुफ्तगू सुनना है तो बोलो बोलो बोलो। ये वो आईने हिंद है, ये वो आईने हिंद है जिसने गोरा काला नहीं दिखाया, गोरा काला नहीं दिखाया। ये वो आईने हिंद है जिसने आईने इश्के रसूल में इस्लाम और कुफ्र दिखा दिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। उसी आईने हिंद के तकद्दुस का वकील सैयदी अलावल हक पंडवी के वला असल लाइट ही बहुत दे दिया है स्टेज की तरफ। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बोल दो, ओए बोलो बोलो बोलो। सैयदी लालावल हक पंडवी के अमानतों का मुहाफिज मखदूमे सिमना के तकद्दुसो तरीकत का निगहबान अताए रसूल सैयदी सरकारे गरीब नवाज की हुरमत का पासबान सैयदी दाता हिजूरी की रिफात का वकील करबला वाले हसनैन के अजमत व तकद्दुस का नकीब बरेली में। बोल दो, जोर से बोल, जोर से, जोर से, जोर से। ए बेटा, ए नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। छोटे बच्चों को मोबाइल देकर ये सब आदत मत डलवाओ बेटा, गंदी बात है। हाँ, उठा के बंद, मोहब्बत से बोल लो। बोलो भाई, बोलो बोलो। तो मैं क्या कह रहा था,
मैं क्या कह रहा था, आला हजरत। अब मैं तुझसे पूछूं मुसलमान, आप शादी ब्याह करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, मेरा बोलो ना भाई। अच्छा ईमान से बोलना, बेटे का निकाह करते हो या बेटा बेचते हो? झूठ बोल रहे हो, आप किए हो ना। बेचता है अक्सर, बेचता है ना, अक्सर बेचता है सब, 10,000 1 लाख 1.5 लाख सब में बेचता है, मोटरसाइकिल पर किसी को बेचता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कालिम बोल रहा है। लेकिन ये भी एक अजीब ट्रेजेडी है, हादसा है। ए बेटा पंखा बंद कर दो प्लीज। हादसा है, शायर लाएगा 50,000 का, 30,000 का, 40,000 का, और गड्डी फाड़ के लुटाएगा, जिसे लगता है अंबानी का खास रिश्तेदार यही है। लेकिन इमाम की को तनख्वाह देते वक्त सबसे बड़ा गरीब हो जाता है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलना। तो जब भारी मन से, दुखी मन से कोई आलिम मसल्ले पर खड़ा होगा ना, तो याद रखना वो अपने दीन की, दीनी मनसब की तकमील कर रहा है, अपने मजहबी पेशवा का दिल दुखा करके। तुम चाहो कि अपनी नस्लों के वजूद में इस्लाम मजबूत कर दो तो ये ख्वाब देखते रहना। इस वक्त पूरी दुनिया में डिबेट है, बहस है, चर्चा है, किस चीज के लिए, आखिर क्या है इस्लाम में, कौन सी क्वालिटी है, मेरिट क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के बाद ही क्वांटिटी देखी जाती है। क्वालिटी क्या है? और बलियाबी तो कहता माफ करना, पूरी दुनिया में मेरा सिर्फ एक खुदा है। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, मेरा सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। भारत में कुछ लोगों ने कहा कि उनके यहां 33 करोड़ है, समझे कि नहीं समझे? तो डर क्यों रहे हो? डर नहीं लग रहा तो बोल मोहब्बत से, ओए जोर से बोल ना, बोल बोल। उनके यहां 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक, वो भी दिखे नहीं है, चले नहीं है, खाए नहीं है, सोए नहीं है, पैदा नहीं हुआ है, पैदा है, वालिद नहीं है, औलाद नहीं है, मकान नहीं है, मजार नहीं, पोजीशन क्लियर। 33 करोड़ माबूद होने के बावजूद भी एक लफ्ज अल्लाह से सबको डर लगता है। काश ये गुफ्तगु कहीं और में किया होता। अरे बोल, डरता क्यों है? और पूरे भारत में बोमा बोम किया जाता है, अजान मत दो। मैंने कहा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम
तो बोलता बहुत तकलीफ होती है मेरे माबूदों को। मैंने कहा यार जो तेरा माबूद है वो मेरे ही मोहल्ले की मिट्टी का बना है। बोल दे यार, अरे जोर से बोल ना। को उठा दीजिए, अभी सो गए। नहीं सोया है, सर झुकाओ मत, सर भागे रहो। दिक्कत तो यही है कि न झुका है न उठा है। जो झुकता है वही उठता है, और जो उठता है वही कटता है। तवज्जो चो, मैं क्या कह रहा था याद है? वो हमारे मोहल्ले की मिट्टी है, अपने मोहल्ले की। मैंने कहा मैं यार तेरा माबूद तू मेरे ही मोहल्ले की मिट्टी से बना है। मेरे मोहल्ले में तो कुदाल चली तब भी नहीं हिला, हल से चास किया फिर भी नहीं बोला। सांभल मार करके पेड़ लगा दिया जब भी नहीं बोला। गड्ढा खोद करके 30 फीट नहीं 100 फीट का पिलर गाड़ दिया। मेरे मोहल्ले में थी तो मिट्टी, तेरे यहां जाते ही माबूद। कब बोलोगे यार? अरे बोल बोल बोल। मेरा खुदा एक और पोजीशन क्लियर। इस्लाम वो है जहां मिक्सिंग का काम नहीं होगा, जितना भी रहेगा फेयर और फरेश रहेगा। मेरे मुस्तफा के सहाबा ने, मेरे रसूल के सहाबा ने कयामत तक के लिए, कब तक के लिए? मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाने की बात की, अंधभक्त बनाने की बात नहीं की। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लेकिन अफसोस नहीं, मातम करने को जी चाहता है। नागपुर वालों ने उतने टुकड़े मुसलमानों के नहीं किए जितने टुकड़े मुसलमानों ने मुसलमानों के कर दिए। दिल्ली वाले ने उतने टुकड़े मेरी कौम के जवानों के नहीं किए जितने टुकड़े हमारी खानकाहों ने कर दिए। अरबलियाबी को इस बात की कतई कोई खौफ नहीं होता, हलक में जब तक सांस बाकी रहेगी पूरे भारत में उस मेयार के झंडे को उठाकर कंधे पर ढोते रहूंगा और अपनी नस्लों के वजूद में यही 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 गुट्ठी पिलाते रहूंगा। अंधभक्त बनना किसी का ये कमाल नहीं है, मुस्तफा का आशिक बनना ये सबसे बड़ा कमाल है। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और मैं आवाज दूर तक जा रही है, कोई हो कोई हो, चाहे रजवी हो चाहे अशरफी हो चाहे हबीबी हो चाहे बरकाती हो चाहे कलीमी हो, कोई हो, अपने पीर और शजरे की बात करने का सबको हक है, लेकिन किसी सिलसिले के बुजुर्ग की तौहीन करने का इख्तियार और हक किसी को नहीं है। इसलिए दुकानदारियां लोग बंद कर दें, वरना इस खित्ते में अच्छे आलिम और अच्छे खतीब को बुलाने के लिए तरस जाओगे, तरस जाओगे। भाड़े का भाड़ मिल जाएगा, आलिम नहीं मिलेगा। किराए का गवैया मिल जाएगा, मद्दाहे मुस्तफा नहीं मिलेगा। इसलिए आज गुफ्तगु थोड़ी कड़वी होगी, बर्दाश्त कर लोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलो ना, आज तक तो यही किए हो और किए क्या हो?
इसलिए कि मरी हुई लाशें सिर्फ बर्दाश्त कर सकती हैं, दफा नहीं कर सकती। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल लो कि तुम जिंदा भी हो। अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो। और अपनी कौम के पढ़े लिखे एजुकेटेड जवानों से कहूंगा, निकलो इन खुराफातों से बाहर निकलो, वरना तेरी नस्लें तेरे साथ शायद न रह पाएगी। जो आज मैं कह रहा हूं शायद तुझको 10 साल के बाद या मेरे मरने के बाद समझ में आवेगा। दफा वो करता है जिसमें जिंदगी होती है। मरी हुई लाशें कभी पत्थरों को नहीं रोकती। निकली हुई जिस्म की रूह से वाले जिस्म से कभी कभी दफा नहीं हो सकता। फर्क इतना ही है कि वो कब्रिस्तान में मिट्टी के अंदर मरा है और आप चल फिर करके भी मुर्दे ही हो, इससे बेशी औकात नहीं है। औकात होती तो 75 साल भारत में बीत गए, आबादियां जलती रही, आप मुर्दे की तरह घूमते रहे, नस्लें लूट ली गई, आप घूमते रहे। माफ करना, मैं चादर और उर्स का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जहां अकीदत की दुकान खुलेगी वहीं शरीयत का बाइनर बांध करके खड़ा हो जाऊंगा। बुजुर्गों के आस्ताने इसलिए नहीं है कि खानदानों की हवेली की तामीर के लिए चादर की सौदागरी हो। बुजुर्गों की विलायतें इसलिए नहीं है कि चिरागी लेकर के चरागा किया जाए हवेली में। बुजुर्गों की तारीख और जिंदगी इसलिए है कि अगर तुझे कोई सुकून न दे सके तो तू आ मुस्तफा के दीन के वारिस की चौखट पर। शहर कहीं का होगा, हवा तैबा की मिलेगी। बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल ना। शहर कहीं का भी हो, हवा मदीने की मिले। लेकिन क्या गजब है साहब, 7 साल तो बलियावी मालदा में बैंड लगा था तो नहीं आ पाता। जब थोड़ा सा खुला है तो आलम ये कि हर गांव में कहलाते सब सुन्नी हैं, लेकिन किसी की किसी से बनती नहीं है। आवाज मेरी जा रही है इन सिलसिले के पीरों के पास, और ना जाए तो पहुंचा देना बलिया भी बोल के गया है, रहम कर दो लोग अब मेरी नस्लों पर, बस करो अब मेरी कौम के बच्चों पर, अब हिम्मत और साहस नहीं बची है। अरबाबे हुकूमत ने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन तुमने सिलसिले के नाम पर टुकड़े टुकड़े करके मेरी नस्लें तोड़ दी है। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपनी नस्लों के वजूद के लिए, तो बलिया भी यही कहता है कि तुम शजरे के नाम पर एक हो मत हो, वो बरेली के रजा के नाम पर एक हो वो मत हो, वो मखदूमे सिमना के नाम पर एक हो वो मत हो, वो अलाबल हक पंडबी के नाम पर एक हो वो मत हो, वो सिराज अकी के नाम पर एक हो वो मत हो, वो लेकिन नबी की इज्जत के नाम पर एक हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से आईनाए हिंद, उर्से आईनाए हिंद, हुजूर गाजी ए मिल्लत, हुजूर गाजी ए मिल्लत। इको हटा दो बेटा, इकोटा बाद दो, इकोटा बंद कर दो। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल, डरता क्यों? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज तक किसी ने
ने यह नहीं कहा कि चादर अकीदत है, तालीम जरूरत है। आज तक किसी ने एक नहीं कहा कि उर्स अकीदत है, तालीम जरूरत है। जाहिल इसलिए तेरी नस्लें रखी जाएगी ताकि तुम तावीज खरीदते रहो, अनपढ़ तेरी औलादें इसलिए रखी जाएगी कि जिसे कभी हाथ न मिलाना कुछ का जी चाहे उनका हाथ पैर जूता मोजा सब चूमते रहो। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम वो मजहब नहीं है जो बाबाओं के सहारे चलता है, इस्लाम वो मजहब है जो मुस्तफा की शरीयत के सहारे चलता है। तवज्जो चाहो, बोल लोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल या, इस्लाम वो है जो मुस्तफा की शरीयत के हिसाब से चलता है। अब आप हमें बताओ, भारत चलाने के लिए एक पुस्तक है कि नहीं है? अरे किताब है कि नहीं? क्या नाम है? मौलवी को पता है संविधान, लेकिन स्कूल कॉलेज वाले को यह भी नहीं पता है कौन सी किताब है। जोर से बोलो, डरते क्यों हो? आपने पढ़ा है? तो जब नहीं पढ़ोगे तो देशद्रोही नहीं कहलाए जाओगे, तो देश प्रेमी कहलाओगे? कब पढ़ोगे? ये किसके लिए है? अल्लाह के वास्ते रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, रहम करो अपनी औलादों पर। अब जलसा होगा, 3-3 किलोमीटर लाइट बदेगी, यानी सुधरने की नीयत से जलसा नहीं होता है, कंपटीशन की नीयत से होता है। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं कि गलत? काश जलसे के लिए कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन इसका होता कि सबसे ज्यादा नमाजी मेरे मोहल्ले के मस्जिदों में है, सबसे ज्यादा हया और नकाब और पर्दा और दुपट्टा और चादर और पर्दे के साथ मेरे गांव के मोहल्ले की बहन बेटियां रहती हैं। तब समझता कि तुझमें जिंदगी है, तुझमें जिंदगी कहां है? तुझमें अब जिंदगी है वे नहीं, चलत फिरत लाश हो। अब जहन को हाजिर करो, क्या क्वालिटी है इस्लाम की कि पूरी दुनिया आंख मसल मसल कर इस्लाम को देख रहा? कब बोलोगे? अरे बोलो ना, तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की। हजरत सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटेगा। अगर कोई मुफ्ती बता दिया हो तो एक बार हमसे मुसाफा करवा दीजिएगा। माइक के बजे बगैर माइक के बोलिए, मेरी कौम ऐसे ही बोल ले रही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हजरत लोग हैं बैठे हुए या यूं ही हैं। मैं क्या कह रहा था? ये सब निकल चुका हजरत इमाम साहब, क्या क्वालिटी है इस्लाम की कि आज पूरी दुनिया पलट पलट के इस्लाम को देख रहा? बोल दो, ओए जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरी दुनिया पलट पलट के इस्लाम को देख रही है। अब आप कहोगे बलिया भी तूने इतनी बड़ी बात कही, सबूत दे। तो आप फलस्तीन के ईमान वालों के मोहल्ले में आ, अब तो बोल दे, अब तो बोल दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्रिश्चियनिटीज हो, यहूदियत हो,
कोई भी हो, सबके सब दांत तले उंगली नहीं पत्थर चबा रहे हैं। क्या क्वालिटी है इस्लाम की? बच्चों की शहादत रोज हो रही है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का दामन हाथ से नहीं छूट रहा है। अल्लाह अल्लाह बलिया भी कहता हो रब के शाहो, ओ काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, ओ यूनाइटेड अरब में बैठकर अमरीका और इसराइल की दलाली करने वालों, ओ खाने काबा की कुंजी रखकर यहूदियत से रिश्ते बनाकर रखने वालों, तुमने ईद का चांद दूरबीन से देखने की कोशिश की कि ईद का चांद दिख जाए। अगर जमीर मरा नहीं है, अगर मावों के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया है, अगर तेरे बदन में पानी नहीं इस्लामी गैरत का खून होता, तो 29 रमजान को दूरबीन लगाकर आसमान पर चांद नहीं देखता, 29 रमजान को दूरबीन लगाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लिया होता। मेरे अजीज, अकीदत की भट्टी सुलगा दी गई ताकि नबी की शरीयत बचाने का जज्बा तेरी औलादों के वजूद से दम तोड़ दे, नबी के नामूस पर मरने के हौसले तेरी औलादों के खत्म हो जाए, गुम्बदे खजरा की रिफात पे शहीद होने का जज्बा दफन हो जाए, खाने काबा बचाने के हौसले दम तोड़ दे, इसलिए तेरी औलादों को अकीदत की भट्टी में डालकर अंधभक्त बना दिया गया। लेकिन वार बरेली का इमाम अहमद रजा, तूने अकीदत की भट्टी में जलने नहीं दिया, नबी की शरीयत की चादर ओढ़वा करके तूने नबी की आल की अजमत का तराना गुनगुनाना सिखा दिया। तकबीर नारे रिसालत अजमत आले रसूल अजमत अहले बैत, नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे अजीज, जो कह रहा हूं इसको लिख ले, गांठ बांध ले, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया के किसी सिलसिले का पीर हो, किसी खानकाह का पीर हो, किसी सजने वाला पीर हो, आज के जमाने में कोई पीर ऐसा मर्द नहीं मिलता जो अपने मुरीदों से कहे कि बोल मैंने अपना हाथ, बोल मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया, अपना नाम लेकर बोल तुम मानू कि है मर्द, अपना नाम लेके बोल तो मानू कि है हिम्मत, जिगरा है। आज के इस दौर में हर पीर, हर खानकाह का पीर एक ही बात बोलता है मुरीद करते वक्त, बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, अपना नाम नहीं लेता, कोई नहीं लेता ना। अरे बोलो यार, बोलो बोलो। इसलिए मेरे अजीज, तुम्हारे भोलेपन का सौदा हो रहा बचा लो, तुम्हारे भोलेपन की दुकान खोलकर लूटी जा रही है बचा लो, लिबास चाहे जितना खूबसूरत हो। एक बात हमको बताओ, बहुत मोटी बात पूछ रहा हूं, कपड़ा बहुत खूबसूरत हो, बहुत कीमती हो और फिटिंग सही ना हो, जी,
पहनोगे? नहीं। अरे बोलो ना। अरे बहुत कीमती है यार, पहन ले। मान लो कुर्ते का साइज जुब्बे की तरह हो, अब पैजामा का साइज बहुत ऊंचा हो, पहनोगे? क्यों? सेटिंग तो दूर की बात है, लोग बोलेंगे या तो चोराया हुआ होगा या मांगा हुआ होगा या खसका हुआ होगा। सुनो, नमाज फर्ज है कि नहीं? जोर से बोलो, किस पर फर्ज है? हर ईमान वाले पर। किस पर? जोर से बोलो। तो आप लोग ईमान वाले हो कि नहीं हो? मस्जिद जाते हो? इमाम साहब, जो इमाम रमजान के 15 से 20 दिन टिक गया वो साल भर टेंशन फ्री, इसलिए कि इमाम के लिए खतरे की घंटी रमजान के महीने में पहली तारीख से 15 से 20 दिन। यानी बिल्कुल बाढ़ जुआठा की तरह मुसलमान आता है, लगता है बिल्कुल नया नया इस्लाम लेके आ रहा है। बोलो सही है कि गलत? यानी चटाई अगर टेढ़ी बिछी है तो सीधी नहीं करेगा, इमाम को जाकर तकरीर सुनाएगा। क्या करते हैं चटाई टेढ़ी है? अबे तेरे बाप का नौकर है इमाम, तू सीधी कर। और हाफिज साहब कुरान शरीफ सुनाएंगे नजराना देते टाइम, बहुत बड़ा गरीब है। अगर किसी ने कह दिया इमाम साहब ने बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा है, कुछ नजराना दे दो, बोलते कहां इसे इतना इतना महंगा हाफिज नहीं लाना चाहिए, शर्म आती है? नहीं आती है तो कहीं से खरीद लो, वैसे ये बिकती नहीं है। अपनी ज़ईफ़ा मां को 10 रुपया देने में तेरे कलेजे कटते हैं, लेकिन गड्डी फाड़ के कव्वाली में उड़ाते हो। अरे बोल बोल सही है कि गलत? बलिया भी कहता गड्डियां फड़वा कर उड़वाने वालों, कभी मुरीदों से पूछा कि गड्डियां फाड़ कर तू यहां तो उड़ा रहा हो, कहीं तेरी मां दवा और इलाज के लिए बिस्तर पे तड़प तो नहीं रही है? बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोल सही है कि गलत? अब हमें उड़ा के मत दो, देना होगा तो इन नौजवानों को दे देना, जिन नौजवानों ने पता नहीं कैसे कैसे पटाके बलियावी की तारीख ले लिया, वरना सच ये कि मुमकिन थोड़ी था। जलसे के लिए मैं जिंदा ना रहता हूं ना रहूंगा, जलसे हमारे बंद ना हो भारत में, अल्लाह इसके लिए हमें जिंदा रखे। लेकिन जलसों को कारोबार का सेक्टर नहीं बनने देंगे और बुजुर्गों के मजार को दुकानदारी का अड्डा नहीं बनने देंगे। यहां वालों का भी गर्दन दबा के रखेंगे, वहां वालों की भी गर्दन दबा के रखेंगे। बाकी जिसको फरियाना होगा, मेरा ही नाम बलियावी है, तारीख तय कर लेना। लेकिन 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 अपने जवानों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। ईमान से बोलो, वही जोर से बोल ना। तो नमाज किस पर फर्ज है? ईमान वालों पर। किस पर? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। नमाज किस पर फर्ज है? कुरान आया इंसानों के लिए, जमीन बनी इंसानों के लिए, पानी बना इंसानों के लिए, चांद और सूरज बने इंसानों के लिए, हवाएं सितारे बने इंसानों के लिए, दरख्त कीड़े मकोड़े सब बने इंसानों के लिए,
लेकिन मेरे रब ने सबको नमाज पढ़ने को नहीं कहा। किसको कहा? यानी छटनी कर लिया, तवज्जो चाहूं, छटनी कर लिया। रिजेक्टेड माल जो कुफर वाला है वो रिजेक्टेड है, किनारे करो। घर नहीं है, छप्पर है, ईमान वाला है, कहा इधर आ जा। बोलोगे बोलोगे तब तकरीर होगे। तवज्जो चाहूं, ईमान वाला है, छप्पर में, कहा इधर आ जा। रिक्शा चलाता है, ईमान जिंदा है, कहा इधर आ जा। मजदूरी और खेत में चास करता, ईमान वाला है, कहा इधर आ जा। हवेली और बिल्डिंग वाला है, कुफर पर कायम है, कहा तुझसे मुझे कोई जरूरत नहीं, तू उधर रहा। अब बलिया भी यहां एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा, तेरे समझ में 10 साल के बाद शायद आवे, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों को सुबह सवेरे नहीं, अब भी समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आया कि इस्लाम का संविधान कहां है? भारत का संविधान है, अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, डर्मन, इटली, सबका है, भारत का भी है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो अगर इस्लाम है तो इस्लाम का भी कोई संविधान है, उसका क्या नाम है? जोर से, जोर से, जोर से, बहुत कीमती बात बोलने जा रहा हूं, जोर से। यही क्वालिटी है इस्लाम की कि कुफर को इस्लाम से बड़ा डर लगता है। कुरान वो किताब है जहां इस्लाम ने कैद नहीं किया कि फला जाति के लोग पढ़ेंगे बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अरे तवज्जो चाहो, बोलो बोलो बोलो, जबकि इसी भारत में उसी धर्म का मानने वाला दलित और आदिवासी और ओबीसी अगर पढ़ ले तो जबान काट लिया जाए, लेकिन ये कुरान करीम है, ये कुरान करीम है। अजमी हो तुम भी पढ़ो, अरबी हो तुम भी पढ़ो, शामी हो तुम भी पढ़ो, अमीर हो तुम भी पढ़ो, गरीब हो तुम भी पढ़ो, बैकवर्ड हो तुम भी पढ़ो, फॉरवर्ड हो तुम भी पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो आंख बंद करके नहीं, खोल करके हर हर लफ्ज पर उंगलियां रख के चले जाओ, जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उतना ही सवाब देखने वाले को मिलेगा। मेरे अजीज, निकालो अपनी औलादों को गफलत के उस भट्टी से। और क्या गजब है साहब, क्या गजब है, लिख ले जब तक तेरी औलादें जाहिल रहेगी तावीज खरीदने पर मजबूर रहेगी। और यही बड़ा घोटाला का बाप है, जाहिल रहेंगे तभी ये पैर भी चूमेंगे, हाथ भी चूमेंगे। अकीदत अपनी जगह है, जरूरत अपनी जगह है। और मैं अपनी मां बहनों से कहूंगा, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। क्या गजब है साहब, क्या गजब है। यानी मौलाना बलियावी की बहन बेटी अगर कहीं बाहर दिख जाए तो मौलाना बलियावी तलवार लेकर रोड पर, लेकिन दूसरे के बहन बेटियों के बीच में मौलाना बलियावी बैठकर खूब गप्पे मारे, ये कैसा इंसाफ है? सन एक नाबीना आया है, नाबीना किसी मुफ्ती के दरवाजे पर नहीं,
हया की खैरात बांटने वाली सैयदा फातिमा के बाबा के घर आया है। सुन, गौर से सुन, नाबीना है। अब नाबीना तो देख नहीं रहा किसी को। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। देखता है? देखता है? नहीं देखता। तो इसे ही माफ होना चाहिए कि तो बेचारा नहीं देखता। लेकिन मेरे आका करीम फरमाते, आयशा, आयशा, आने वाला नाबीना है, तुम्हारी आंखें तो रोशनी वाली हैं। जहां इतना एहतराम और ताकीद हो पर्दे की, जो कौम अपनी बीवी से न लड़ सके वो सत्ता से कौम लड़ेगी। उर्स और मेला में मर्द बाद में तैयार होता है, मैडम पहले ही तैयार है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। और गलती से अगर कोई मौलाना मसला बता दे शरीयत का, तो बस चले तो अंध भक्तों से गर्दन टिपवा के मरवा देंगे कि माफिया लोग। क्या गजब है हजरत, यानी शौहर के जाने से पहले ही मैडम पहुंच गई। जो अपने घर की बहु बेटियों की हुर्मत बचाने की हिम्मत न रखे वो सत्ता से लड़ेंगे। माफ करना रे, लाशें जंग नहीं लड़ती हैं, रूहें जंग लड़ती हैं। जिस्म जंग नहीं लड़ते, हिम्मतें जंग लड़ती हैं। बहुत अच्छी सेहत जंग नहीं लड़ती, मुस्तफा के आशिकों के रोजे की बरकतें जंग लड़ती हैं। असलहे जंग नहीं लड़ते, नबी के आशिकों की मिसवाक की बरकतें जंग लड़ती हैं। लेकिन कितने लोगों के घर में मिसवाक मिलेगी? कमाल है। इसलिए मेरी मां बहनों, तावीज ओवीज के चक्कर में ढेर मत पड़ो। बलियावी से एक ऐसा तावीज ले लो जो तावीज नहीं है, तरकीब है। और हम अपने उलमा से कहेंगे, मिलाद शरीफ की हर महफिल में खूब ठोक करके डरिए मत, टिकाऊ बनिए, झुकाऊ मत बनिए। अल्लाह ने जिंदा रखा तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही मालदा में एक मीटिंग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोलो अगर बदलाव के लिए मीटिंग करे तो आओगे कि नहीं आओगे? अरे जोर से बोल, आएगा कि नहीं आएगा? तो तैयारी में लगी है, मुर्शिदाबाद में काम शुरू है। एक मीटिंग जंगीपुर हुई, दूसरी मीटिंग बहरामपुर में हुई, एक मीटिंग आपके गौ से बंगाला के यहाँ रानीगंज में हो चुकी, एक मीटिंग आपके लोहागढ़ा में हो चुकी, लोहापुर में। चूंकि ये इलेक्शन आ गया तो हमने सोचा कि नहीं, अब भी मेरा कहीं भी बैठना, तुरंत एक नई दुकान खुल जाएगी। इसलिए मुझे मालूम है कि जो तेज हवाओं से गिर के मर जाए उसके कत्ल का इल्जाम हम अपने सर क्यों लेने जाएं। वैसे हम जानते हैं कि हमारे वजूद को मिटाने वाले फिरौन से लेकर नमरूद तक, शद्दाद से लेकर कारून तक बहुत आए। न इस्लाम मिटा न मुसलमान मिटा, तो ये चाय पकौड़ी वाला से क्या होने जा रहा। आप डर तो नहीं रहा मौलाना हमजला? ढेर हजरत को देखा, नहीं डरते। मैं अपनी मां बहन बेटियों से सिर्फ अर्ज करूंगा कि देखो, बेटी हो या बहू, जाहिर सी बात है तुम्हारी बेटी है तो बहू किसी की बनेगी,
बोलो सही है कि गलत? और अगर किसी की बेटी है तो तेरे घर की बहू बनेगी, सही है कि गलत? तो अगर बेटी हो तो बेटी को समझा दो, अगर बेटी को समझा दिए तो फिर बहू बन के जाएगी तो उसको सास को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझाना है? सिर्फ एक बात, बाप दादा घर की इज्जत आबरू के साथ 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 आका करीम के इस्लाम की इज्जत भी तू लेके जा रही है। अब तो बोल, अरे जोर से बोल ना। और वो बच्ची कैसे जानेगी कि हम कनीज़े फातिमा हैं, रुखसत हो रहे हैं बहुत कुछ लेकर, जिसके निकाह में बैंड भी हो, नाच भी हो, ड्रामा भी हो, आवारा गर्दी भी हो, तमाशा भी हो, हुल्लड़ भी हो। मैं जितने लोग आए हो सबसे अपील करके कहूंगा, क्या चाहते हो कि इसराइल के खिलाफ तुम फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद करोगे? अरे बोलो ना, कितने लोग करना चाहते हो? बोलो 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 बोलो, हमको पैसा नहीं चाहिए, उठा कर रखो, उठा कर रखो, ठीक है कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज है, उठा कर रखो। मदद करना चाहते हो? जोर से बोलो, मदद करना चाहते हो? तो हर आदमी, एक एक नौजवान जलसा खत्म होने के बाद सुबह तक नहीं, सुबह तक ही नहीं, जब जब कोई नया नंबर तेरे पास आवे उनसे एक बात की अपील करके कहना, फोन आवे तो भी जाए तो भी, सिर्फ इतना कहना कि इसराइल मुल्क की बना हुआ कोई भी सामान, चाहे थम्सअप, चाहे कोको कोला, चाहे स्प्राइट, जितना भी इसराइल की कंपनी का बना हुआ सामान है, गर्म पानी पी करके समझौता कर लेना, लेकिन कोको कोला थम्सअप और इसराइल की बनी हुई कंपनी का ठंडा सामान पी करके बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों पर जुल्म मत करना, इसका बाइकॉट करो, इसका बाइकॉट करो। और सामने में इलेक्शन है, कोई सियासी पार्टी वाला गुंडा तुझको ये नहीं बताएगा, बताएगा तो मौलाना बलिया भी बताएगा। एक वोट भी तेरे मोहल्ले तेरे घर का बचना नहीं चाहिए, एक एक वोट जाकर के अपने बुत पर देना। किसको दोगे तुम जानो, मैं नहीं कहूंगा कि किसको देना नहीं देना, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे किसी, तुम्हारे मोहल्ले में किसी का वोट बचे नहीं। और देख लेना कि वोटर लिस्ट पर तेरे नाम के आगे टिक लगाया है कि नहीं लगाया है, वरना अगर तुम अगर चुप कर गए, सुस्ती और कोताही कर गए, तो पता नहीं अगली मर्तबा तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कह रहा हूं लिख लो। तो आखिरी बात अर्ज कर दो, ये मेरी मां बहन बेटियां हैं, अगर बेटी हो तो समझा दो, बेटी मेरे घर की खानदान की इज्जत और आबरू तेरे कांधे पर है, तू चाहे तो साबरा बन करके अपने बाप दादा की इज्जत का झंडा अपने ससुराल के आंगन में गाड़ देना, और जी चाहे तो जीते जी हम लोगों को दफन कर देना, मर्जी तेरी। अगर साबरा बन के तूने जिंदगी गुजार दी अपने अपनी ससुराल में, तो याद रखना इलाके और गांव में एक ही बात होगी कि फला गांव का अब्दुल्ला मियां गरीब जरूर था साहब, लेकिन उसकी बेटी बड़े कैरेक्टर वाली थी। और मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बलियाबी का एक मान लो, पूरी जिंदगी तेरी औलादों को तावीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जो दुकान खोल के रखा है लोगों ने तावीज की, लोहबान की, पानी की, मोमबत्ती की, अगरबत्ती की, सब बंद हो गई। छोटे छोटे बच्चे जब मां के गोद में है, 6 महीना 8 महीना 3 महीना 2 महीना, जब ये बच्चे रोते हैं तो मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की बूढ़ी माएं बहनें, ये मेरा नौजवान पागल सनकी की तरह मोबाइल मोबाइल में गाना और कार्टून लगाकर बच्चों के कान के पास रख देता है। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? अरे वो नन्ही सी जान जब मां के पेट से बाहर आई थी धरती और जमीन पर, तो तेरी शहनाइयों की आवाज सुनने के मतमन्नी ना थी। वो नन्ही जान उस आवाज को सुनने के मतमन्नी थी कि एक कान में अजान की सदा हो जाए और दूसरे कान में अकामत की सदा हो जाए। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया गया। चीखते हुए बच्चे को सुकून मिल गया। आलमे अरवाह में भी था तो उन्हीं की धूम थी, जब जमीन पर आया हूं तो उसकी बहदानियत की धूम है। बाकी गलत जगह नहीं, सही जगह। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपनी मां बहनों से और नौजवानों से कहूंगा, रोते और सिसकते हुए बच्चों के बीच अगर कोई मोबाइल रखे तो कूच दे, तोड़ दे, तोड़ दे। दादा है तो तोड़ दे, फिक्र मत कर। बाप है तो तोड़ दे, फिक्र मत कर। जब मोबाइल नहीं था तब भी जी रहे थे रे, शान से जी रहे थे, जलील होकर नहीं जी रहे थे। तोड़ दे मोबाइल और कह दे ये नन्ही जान खुराफात सुनने के लिए नहीं है। और अपनी मां बहनों से कहूंगा, अगर तुम काम कर रही हो, खाना बना रही हो, झाड़ू दे रही हो, बर्तन धुल रही हो, अगर तेरी औलाद सोई हुई जाग जाए, रोने लगे, तो अल्लाह के वास्ते रोने देना, दौड़ के करीब मत जाना। जाके पहले वजू करना, वजू करके फिर बेटे के पास आना। 2-4 मिनट रोने से तेरी औलाद की रूह नहीं निकलेगी, जब मौत आएगी तभी रूह निकलेगी। रो रहा रोने दो, लेकिन पहले वजू कर लो। वजू करने के बाद अपने आंचल में अपने लखते जिगर को छुपा लो, फिर अपने सीने से अपनी नन्ही जान को कलेजे से लगा लो। बेटा तेरे आंचल में छुप कर दूध पीते रहे, अतु अपनी औलाद को गोद में रख कर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती रहा। तुम अपने आका पर दुरूद पढ़ती रहा, दुरूद तू पढ़ेगी, दूध बेटा पिएगा। आखिरी सांस तक उसे न किसी सहर, न किसी जादू, न किसी टोना, न किसी काला जादू का कोई असर नहीं होगा। अगर ईमान मजबूत है तो इस वजीफे को अपनी नस्लों की घुट्टी में पिला दो। कोई नहीं बताता है कि फला चीज पढ़ो तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये कहते हैं कि इसकी तावीज ले लो, छुटकारा मिल जाएगा। कब तक मोहताज बनाकर रखोगे मेरी नस्लों को? कब तक छुरी पढ़वा कर कुर्बानी कराओगे इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में? इसलिए मेरे अजीज, चादर उर्स अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। अगर जरूरत पूरी हो गई, जरूरत पूरी हो गई, तो याद रखना तुम मोटिया मार्किन और खद्दड़ में भी टाट का भी कपड़ा पहन कर रहोगे ना, तो दुनिया तेरा लिबास नहीं देखेगी, दुनिया तेरी क्वालिटी देखेगी। चमड़े की कीमत नहीं होती है, क्वालिटी की कीमत होती है। पत्थरों की कीमत नहीं होती है, निस्बतों की कीमत होती है। इसलिए कीमती पत्थर तो बहुत था दुनिया में,
लेकिन चूमा हजरे अस्वद सिर्फ इसलिए गया कि मुस्तफा ने चूम लिया है। लेकिन निस्बत के नाम पर सौदागरी बंद करो और सबूत तमीरुल मोमिनीन गैबुल मुनाफिकीन सैयदुल आबिदीन हजरते सैयदना फारूक आजम से लो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सरकार फारूक आजम हजरे अस्वद चूमने से पहले फरमाते ए अस्वद मैं क्या कह रहा था। अरे जोर से बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां जितने लोग हैं इसमें कोई हाजी है? आई सुभान अल्लाह। बड़े साहब बड़े साहब बड़े साहब अगर खड़ा हो जाते तो सब लोग आपकी ज़ियारत कर लेते। आई सुभान अल्लाह। अब नारा लगाओ माला ना, नारा लगाओ लगाओ बीच मजमा से लगाओ लगाओ लगाओ। अच्छा एक से एक साहब मिला है झारखंड में। हजरत नाम आपका भूल रहा हूं, हजरत मौलाना है नामुल हक साहब। कितने भोले लोग हमारे भारत में रहते हैं। हज पे जाने का मौका था, हाजी को पहुंचा दिया गया एयरपोर्ट पर। तो जहाज तो दूर खड़ा होता है ना, तो गेट के टपाने के बाद बस खड़ी रहती। अब जैसे ही हाजी बस देखा तो गुस्सा हो गया, बोला हम बस से नहीं जाएगा, हम 3 लाख रुपया टका दिया है, हम बस से नहीं जाएगा। अब मचा तूफान साहब, जहाज के उड़ने का टाइम हो रहा है, एक आराम जाएंगे नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं बस से नहीं जाना जहाज से जाना। बोला नहीं जहाज तो दिखता नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम हमको बस से ले जाएगा। फोन आया, मैंने खबर किया, मैंने कहा एयरपोर्ट सुपरिटेंडेंट से, मैंने कहा जाओ हाजी को फोन ले जाकर दो, बोलो मौलाना बलिया भी बात करेगा। जैसे ही अल्लाह अकबर, यही एक कमाई है तेरे बलियावी के पास, बाकी कुछ नहीं है। जैसे ही हाजी को मालूम हुआ मौलाना बलियावी का फोन है, वैसे ही हाजी एयरपोर्ट के सुपरिटेंडेंट को बोल रहा है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं मानेंगे, हमारा मौलाना बलिया भी बोल देगा ना तो हम बस से भी चले जाएंगे। अल्लाह जैसे ही लिया, मैंने कहा कि हाजी साहब जहाज थोड़ी दूर पर खड़ा है, आप बस में बैठ करके जहाज के पास जाइए, बस में बैठ के जहाज के पास जाना है, बस से आपको हज पे नहीं जाना है। जहन को हाजिर कीजिएगा, हज को जाने वालों आपने हजरे अस्वद चूमा? क्यों चूमा, क्यों चूमा, क्यों चूमा? तो आप कहोगे मुस्तफा ने चूमा है इसलिए चूमते हैं। यही है ना, यही है ना। लेकिन निस्बत की दुहाई देकर अंध भक्ति की तरफ ढकेलने वालों, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हो हजरे अस्वद उमर तुझको कयामत तक नहीं चूमता, तुझको तो इसलिए चूमता हूं कि मेरे रसूले करीम का होटे पाक लग गया है। मेरी अजीज मेरे दोस्त, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के जलसे हो खूब और मस्जिदें खाली रह जाएं तो अल्लाह के वास्ते ये जलसे बंद करो। हफ्ता दिन का उर्स चले, उर्स चले, उर्स चले, चादर चले, लंगर चले और रसूल करीम की शरीयत का कत्ल हो, अल्लाह के वास्ते ऐसे उर्स को बंद कर दो। नहीं चाहिए वो उर्स जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पे खंजर लगे। हम अपने घरों में बैठकर चारों कुछ
पढ़ करके उस अल्लाह के वली को इसाले सवाब करके फैज बटोर लेंगे, इसलिए कि मेरे अल्लाह वाले मजबूर नहीं हैं। जब मेरे पीराने पीर गौस आजम को रब ने ये कश्फ ये कुवत अता की है कि मेरे अब्दुल कादिर गौस सकलेन फरमाते कि मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के पूर्वी किनारे पर हो, दुनिया के पूर्वी किनारे पर, और अब्दुल कादिर पश्चिमी किनारे पर हो, और मेरा चाहने वाला शेर के मुंह में जा चुका हो, आवाज दे दे मेरा अकीदतमंद, अब्दुल कादिर शेर का जबड़ा फाड़ के उसको बचा लेगा। इसलिए जिसके यहां लोच और सौदागरी है, अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों की हिफाजत कर लो, पढ़ाओ, हलाल रोटी खाओ। ये किसी ने हमको पैसा दिया शायद, देखे बाबू क्या है, माशाल्लाह, यह वाह, ये किसी ने हमको दिया है। अब ये पता नहीं कितना है, 100 का भी है, 20 का भी है, 10 का भी है, गिना नहीं है। ये पैसा अगर मैं जलसा कराने वाले नौजवानों को जलसे के खर्च के लिए दे दी तो देने वालों को कोई तकलीफ, अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, तो कोई अल्लाह का बंदा है जो रसूलुल्लाह की मिलाद के लिए अपनी तरफ से 500 मिला दे इसमें, ले आओ, सुभान अल्लाह। कोई दूसरा आदमी है जो और 500 मिला दे, माशाल्लाह। देखो मैं चंदा मांगता नहीं हूं, मांगता हूं तो बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर के लिए, लेकिन नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े हौसले के साथ आज का ये इजलास करने की हिम्मत जुटाई है, सुभान अल्लाह। एक नौजवान इसमें लेके आ गया, ऐ सुभान अल्लाह, 15 इधर है और 1, 2, 3, यानी 15, 15, 30, यानी 3000। एक साहब ने ये 500 भेजा, बस इतने ही लोग हैं या कोई और भी है जो अपने तौर से इसमें शरीक हो जाए? अगर 500 नहीं है, 100 रुपया हो तो ही शरीक हो जाओ, 100 रुपया हो तो ही शरीक हो जाओ, अब इससे नीचे तो उतर के मैं नहीं कहूंगा कि शरीक हो जाओ। मैंने आवाज दिया है मुस्तफा अलैहिस सलाम के, रसूल के, आए हाय हाय, आए हाय, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ पहले इधर आ जाओ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक, जब दामन नबी के नाम पर फैल गया ना, तो अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, ये भी उसी में डाल लो। आई सुभान अल्लाह, अब तो नारा लगाओ यार, अब तो नारा लगाओ, अब तो नारा लगाओ, कहाँ गया तुम्हारा, अरे माइक लो यार मौलाना। नाराए तकबीर, ये देखो ये दामन फैला है, तकबीर, ये दामन फैला है नबी की मिलाद के लिए, ये रसूल करीम की मिलाद के लिए दामन फैला है, और से आयनाए हिंद, वाह 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 वाह, ये मुस्तफा की मिलाद के लिए दामन फैला है। याद रखना, मुसलमान गरीब हो जाता है, हाथ तो फैला देता है लेकिन अच्छे अच्छों के सामने दामन नहीं फैलाता। गोया दामन रख दे बेटा, दोबारा मत आना, दामन, दामन की बड़ी कीमत है मेरे यहाँ। हाथ तो किसी के यहाँ भी कोई फैला देता है, पान के लिए भी, खैनी के लिए भी, सिगरेट के लिए भी, बीड़ी के लिए भी, चाय के लिए भी, लेकिन माफ करना दामन नहीं फैलाता है। यानी दामन जब भी फैला है तो बादशाहों के यहाँ फैला है, दामन जब भी उठा है तो बादशाहों के यहाँ उठा है, या दामन जब भी उठा है बादशाहों के नाम पर उठा है। इसलिए ये दामन दामन फैलाए घूम रहे हैं, जो बन पड़े, जो बन पड़े, जहां तक बन पड़े। नौजवानों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए और इनकी हिम्मत को इस्तकामत के साथ कायम रखे। और आप सबके कौन सा गांव है? हल्दीबाड़ी, सुभान अल्लाह, हल्दीबाड़ी,
वाह, हल्दी का एक अपना रंग होता है, इसलिए हल्दी बाड़ी वालों, हल्दी का रंग उतर जाता है लेकिन मुस्तफा की शरीयत का रंग नहीं उतरता है। तारीख पुरानी है, गवाह है कि जुल्म की सारी हदें पार कर दी लेकिन करबला में रसूल करीम की आल की औलाद की बेटियों ने, बहनों ने नबी की शरीयत की चादर नहीं उतरने दी, आका अलैहि सलाम की दीन की हुरमत की चादर नहीं खसकने दी। इसलिए हल्दी बाड़ी वालों, मोच के लिए लड़ना, सिलसिले के लिए लड़ना ये कमाल नहीं है। ईमान और शरीयत पर तेरी औलादें, तेरी आबादी खड़ी रहे और बोझ बन के नहीं, जरूरत बन करके भारत में हल्दी बाड़ी का जवान दिखाई दे, इसके लिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा कि मोच की लड़ाई मत लड़ो, वरना तेरी औलादों का सर नहीं बचेगा। मुस्तकबिल की जंग लड़ोगे तो सर जब खुद ही महफूज रहेगा तो तेरी मोचों पर कोई कैंची नहीं चला पाएगा। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।